नमस्कार। आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी की बर्फी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेल्दी भी है, बहुत सारी विटामिन से भरपूर भी है और हमारे लिए सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी है। कोई त्यौहार हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई या कोई मेहमान आ जाए या किसी घर जा रहे हैं गिफ्ट करना है दिवाली पे, तो आपको मैं बताती हूँ लौकी की बर्फी कैसे बनाई जाती है। और बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी और बहुत बढ़िया लगता है खाने में। तो ना मावा, ना कंडेंस मिल्क, ना कुछ, हम दो चीज़ों से आज हम इसको बर्फी बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये मैंने ताज़ा एकदम खींचा, एकदम बीज यूज नहीं होना चाहिए, वो मैंने लौकी लिया है। अब इसको कट करते हैं और कद्दूकस कर लेते हैं। ये मैं आपको दिखा रही, देखिए बिल्कुल बीज नहीं है, वो बिल्कुल खींचा मैंने, एकदम बचा कद्दू मैंने लिया है। तो दो पार्टों में इसको डिवाइड मैंने कर लिया है। अब इसको हम छिलके उतार लेते हैं सारे को। तो ये एक मैंने कद्दूकस अच्छे से मैंने छील लिया है, इसका भी मैं छिलका निकाल ले रही हूँ। इस तरीके से छील लेते हैं बिल्कुल बढ़िया और बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसको वॉश भी करेंगे अभी और ठंडे पानी से इसको हम धोएंगे। तो ये मैंने बॉल में डाल लिया है कद्दू को, सारे को छिल लिया है और बिल्कुल चिल्ड ठंडा होना चाहिए फ्रिज का पानी जो इसमें मैं डाल रही हूँ। देखिए अच्छी तरीके से इसको वॉश भी कर लेंगे जिससे इसका सारा स्टार्च निकल जाए। और इसमें ही हम कद्दूकस करके पानी में ही हम रखेंगे। तो मैं एक थाली ले लिया है और ये कद्दूकस करने वाला ले लिया है। और बारी तरफ ये मोटा है, एक ये बारी है, आप जिस तरफ से आपको मन करे उस तरफ से आप कद्दूकस कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको धो लिया है और इसको हम कद्दूकस करते हैं। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सारे को कद्दूकस इस तरीके से हम कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया और कितना दानेदार कद्दूकस हो गया है, कितना बढ़िया लग रहा है। इसी तरह से हम कद्दूकस अच्छे तरीके से सभी को हम कर लेते हैं। फुल क्रीम लिया है दूध, उसको 1 लीटर मैंने दूध लिया है फुल क्रीम। जब फुल क्रीम में बर्फी ना बने तो फिर फ़ायदा क्या है, टेस्ट ही नहीं आएगा मिठाई का। तो मैंने ये फुल क्रीम लिया है दूध 1 लीटर। अभी अच्छी तरह से इसको बॉयल कर लेते हैं दूध को। तब तक इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है, कढ़ाई में हम डाल रहे हैं घी। घी मैंने डाला है 2 चम्मच। घी हो जाने देते हैं गरम अच्छी तरीके से जिससे इसमें से खुशबू आने लगे। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे लौकी, जो लौकी मैंने कद्दूकस के रखा था। इसको हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे अच्छी तरीके से। इसको हम तब तक पका लेते हैं, इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। जब तक लौकी से पानी ना छोड़ दे तब तक अब इसको हम पकाएंगे। इस वजह से करने से लौकी का जो कच्चापन है वो निकल जाती है, तो बर्फी में कच्चापन नहीं आएगी, लौकी के स्वाद नहीं आएगी। इस वजह से हम घी में डाल के लौकी को इस तरीके से हम पका लेते हैं। दूध में अच्छा बॉयल आने लगा है और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे दूध को, तब तक दूध जल के थोड़ा हो जाए। अब ये लौकी अच्छी तरीके से पक चुका है, देखिए पानी भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे दूध, तो इसमें हम दूध डाल देते हैं और इसको हम पूरा 1 लीटर दूध इसमें मैंने डाल दिया है।
और अच्छे तरीके से इसको हम चला लेते हैं और इसको हम पकने देते हैं। देखिए पकना स्टार्ट हो चुका है, तो ये देखिए दूध जलकर थोड़ा हो चुका है, लगभग दूध जलकर हो ही चुका है थोड़ा, अभी और पकाएंगे इसको। तो लगभग इसमें दूध सूख ही चुका है, अब अच्छी तरह से इसको हम चला लेते हैं लगातार। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो लगभग इसमें दूध सूख ही चुका है, अब अच्छी तरह से इसको हम चला लेते हैं लगातार। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। इसमें मैं एक कप चीनी डाल रही हूँ, आपको मीठा पसंद है ज़्यादा तो आधा कप, आधा एक कप और आधा कप आप और डाल के इसमें अच्छी तरीके से, मीठा आप खाना पसंद करते तो आधा डेढ़ कप आप इसमें डाल दीजिएगा, और अगर कम पसंद है तो एक कप आप इसमें चीनी डाल दीजिएगा। देखिए चीनी डाल दिया, पानी इसका छोड़ना स्टार्ट हो चुका है, चीनी डालते ही ये पानी छोड़ने लगा है लौकी, और पका लेते और अच्छी तरीके से। आप चाहे तो इसमें फूड कलर डाल सकते हैं बिल्कुल ग्रीन करने के लिए, ना चाहें तो आप नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ जो मैंने मार्केट से मंगाया है फूड कलर। इसमें हम थोड़ा सा चिटकी भर फूड कलर इसमें डाल देते हैं जिससे इसका कलर अच्छा लगेगा दिखने में। इसमें मैं चुटकी भर पिंच भर मैंने इसमें फूड कलर इसमें डाल दिया है जिसे दिखने में ग्रीन ग्रीन अच्छा लगेगा। अब इसमें हम डाल रहे हैं एक चम्मच इलायची पाउडर जिससे खुशबू अच्छी आएगी, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इलायची पाउडर डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आएगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। इसको हम लगातार अब चलाते रहेंगे। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट भी हम डाल देते हैं। ये मैंने ट्रे ले लिया है, अब इसके ऊपर हल्का सा घी हम ग्रीस कर देते हैं जिससे इसके ऊपर हम बर्फी रखेंगे तो अच्छी तरीके से वो निकल जाएगा। घी से हम नीचे ग्रीस कर दिया है, आपके पास अगर घी नहीं है तो आप तेल में तेल भी लगा सकते हैं, रिफाइंड तेल, तेल भी नहीं है तो आप चीनी का बुरादा भी या नारियल का बुरादा भी नीचे डाल सकते हैं, और डाल के इसके ऊपर बर्फी को जमा सकते हैं। मैंने फ्रिज में रख दिया था, अच्छी तरीके से ये सेट हो चुका है, बिल्कुल ठंडा बिल्कुल चिल्ड हो चुका है। अब इसको हम चाकू के सहारे इसको हम कट कर लेंगे। आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। ये देखिए मैं कोई भी आप इसके ऊपर कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, बर्फी की शेप ले सकते हैं या चटनी, कोई भी आप शेप इसमें ले सकते हैं। तो मैंने सभी को कट कर लिया, अब मैं एक आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। तो ये मैं कट कर लिया सभी को,
अब हम आपको एक स्लाइसेस निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया बर्फी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए ये देखिए इधर खाली दिख रही है। तो ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया कद्दू की बर्फी बनी हुई है। तो आप इस तरह बनाइए और खाइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो आपके पास जाएगा। तो ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया कलर लग रहा है, कद्दू की बर्फी बनकर तैयार है। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।